तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है श्वेत क्रांति ना प्रणेता, चैप्टर नंबर 5, स्टैंडर्ड 10 एंड सब्जेक्ट है गुजराती। इसके कोई लेखक नहीं है, ये संकलित है, परंतु ये अलग अलग मैगजीन, अलग अलग नोटबुक, अलग अलग न्यूज़पेपर में से जो भी प्रकाशित हुए लेख होते हैं वहां से इकट्ठा करके आपके सामने प्रकट किया जाता है। इसका संकलन करने का काम, इकट्ठा करने का काम अगर किसी ने किया था तो उसका नाम था रमेश चंद्र डी पंडिया। तो इसके आलेखक है, नॉट अ लेखक, ये लेखक नहीं है, कलेक्शन करने वाले व्यक्ति है। तो आलेखक इज रमेश चंद्र डी पंडिया। साहित्य प्रकार है रेखा चित्र, जिसको हम चरित्र निबंध भी कह सकते हैं। कोई एक व्यक्ति के बारे में जब हम डिटेल में लिखते हैं तो हम उसको आत्मकथा, इंग्लिश में हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, परंतु उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल में नहीं, पर थोड़ी बहुत अगर जानकारी उसको दी जाती है तो इसको रेखा चित्र कहते हैं या चरित्र निबंध कहा जाता है। नाउ टॉपिक है दैट इज श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद, एंड क्रांति मतलब होता है रिवॉल्यूशन, है ना। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने का काम, दो नाम आता है, एक होता है कॉटन यानी कि कपास, एंड दूसरा होता है दूध। हम यहाँ पर बात करेंगे दूध के अधीन। दूध जो है, एक समय ऐसा था पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही ऐसा कंट्री था जो दूध के लिए से प्रसिद्ध था, एंड उसका नाम था नेदरलैंड। परंतु फिर आए दो व्यक्ति जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक जो ब्लैक कोट में बैठे हुए उसका नाम है वर्गीस कुरियन, एंड जो टोपी में स्पेक के साथ बैठे हुए हैं वो है त्रिभुवनदास किशीबाई पटेल। इन दोनों की मित्रता, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, एंड एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड जिसका नाम है सहकार, कॉरपोरेशन। एंड इस शब्द को उसने इस तरह से साबित करके बताया कि अगर हमारे पास यूनिटी है, सहकार है, तो हम किसी के सामने जीत भी सकते हैं और अपना नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर सकते हैं। और ये करके बताया अमूल के ये दोनों मित्र ने, या कह सकते हैं दोनों पार्टनर ने। तो आज का चैप्टर जिसका नाम है श्वेत क्रांति ना प्रणेता, क्या हम सीखेंगे इस चैप्टर से? ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, इस दोनों व्यक्ति के बारे में। एंड ये दोनों व्यक्ति ने जो हमें दिया, यानी इस विश्व को दिया, दैट इज अमूल के बारे में। एक समय था जब आनंद को कोई नहीं जानता था, और आज ऐसा है कि आनंद गुजरात में है ऐसा लोग मानते हैं। तो स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न देखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, उसको स्वप्न दृष्टा कहते हैं। समग्र विश्व के अंदर, विश्व यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, समग्र विश्व के अंदर गुजरात को एक फलक के लाके दिया, और वो था दैट इज अमूल ब्रांड। विश्व के नक्शा के अंदर एक छोटा सा डॉट बनाया, एंड वहां पर लिखा गया अमूल। एंड फिर पता चला ओके, यहाँ पर गुजरात भी है और ये इंडिया में आया हुआ है। ऐसे स्वप्न को सही तरह से डेकोरेट करने वाले, एक ने स्वप्न देखा पर एक ने स्वप्न को डेकोरेट किया, उसको सही तरह से शेप दिया, तो उसको कहते हैं स्वप्न शिल्पी। तो यहाँ पर स्वप्न शिल्पी का नाम अगर आए तो आपको लिखना है वर्गीस कुरियन, एंड अगर आपको नाम दिया जाए स्वप्न दृष्टा तो आपको नाम देना पड़ेगा त्रिभुवनदास पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको वन वर्ड वन लाइन के अंदर ये सारी चीजें अगर आती है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा कार्य आपको करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनावट के क्षेत्र के अंदर आज जो दूध है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पर सिर्फ दूध तक ये सीमित नहीं रहे। दूध के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनाई, क्या क्या बनाई, क्यों बनाई, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। साथ साथ में ये वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, कार्य दक्षता, दूसरा लिखा है संगठन क्षमता, तीसरा है सेवा परायणता एंड संवेदनशीलता, ये हम शब्द समझते हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत हाई लेवल के हैं, पर आप इन दोनों की लाइफ के अंदर सीख सकते हो कि ये शब्द कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल हुआ। देखते हैं आज का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे त्रिभुवनदास पटेल जी के बारे में। आपके सामने जो ऊपर के साइड में फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, दैट इज त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल। पर सबसे पहले हम उसको जानने से पहले, ये त्रिभुवनदास पटेल कैसे त्रिभुवनदास पटेल बने, कैसे अमूल ब्रांडिंग बनी, तो एक छोटा सा किस्सा उसकी लाइफ में हुआ एंड वो चेंज हो गए। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं, त्रिभुवनदास पटेल क्या कहते हैं।
शनिवार का दिवस था, यानी कि शनिवार नो दिवस हतो। सवार नी शाळा होय शनिवार ना दिवसे, अने बधाज भाई बहन दोस्त और मित्र जो है गाम नी बहार आवेला एक हनुमान जी ना मंदिर हतु तेनी पासे आवीने भेगा थया। हवे किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं टीनेजर अवस्था, किशोरावस्था में सहज बधाज मौज मस्ती करता होय तमारी जेम, तो बधाज आनंद मौज मजा नी अंदर दिवसों पसार करवानो ध्येय हतो के चलो अपने पण मौज मजा करिए। शनिवार नी अर्धी छुट्टी शाळा में छे तो गाम नी बहार आवेल तळाव, तळाव नी पास आवेलो हनुमानजी ना मंदिर, अने बधा सरखी उमर ना मित्रों भेगा थया। અને બધાએ કંઈક ને કંઈક નાસ્તા માટે એટલે કે રેવડી, રેવડી આતી હે આપને દેખા હોગા તિલ જિસકે ઉપર ચિપકાવા રહેતા હે ઉસકો રેવડી કહેતે હૈ। एंड दूसरा होता है चवाणु जिसको हम भूसू भी कहते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ आ जाता है, लाइक समझ लो कि चेवड़ा टाइप का होता है ना। तो रेवड़ू रेवड़ी अने चवाणु ये दोनों खाना एंड मस्त गप्पे मारना। बस एक ज वक्त नक्की करियो भाई आपणे आ बधुं शुं करी रह्या छे, માત્ર વાતો કરવાની, માત્ર વસ્તી કરવાની, બીજું કઈ નહીં। એટલે એક વાર નક્કી કર્યું કે બધા જ મિત્રો આપણે ભેગા થવાનું, પરંતુ વારા ફરતી યાની કે વન બાય વન ઓછામાં ઓછા કોઈ પણ એકની વિષય ઉપર આપણે કશુંક બોલવું અથવા કશુંક લખવું, અને પછી આપણે બધાની વચ્ચે વાંચવું, જેથી આપણા બધાની આસપાસ જે જ્ઞાનનો ભંડાર છે એકબીજાને મળે। એ પ્રમાણે અમારો વારો નક્કી થઈ ગયો કે કોનો ક્યાં દિવસે વારો આવશે, આ શનિવારે કોણ બોલશે, તેને કયા ટોપિક ઉપર બોલવાનું, આવું નક્કી થયું। હવે એક દિવસ વારો આવી ગયો આપણા મહાન વ્યક્તિ યાને કે ત્રિભુવનદાસ કિશીભાઈ પટેલનો, તેમ તો મૂંઝવણમાં આવી ગયા કે હવે શું કરું। તો એ સમયે તેમના એક કાકાના દીકરા હતા, અને કાકાના દીકરાની પાસે એ અરસામાં, અરસા મતલબ એ સમયની અંદર તેમની પાસે એક ચોપડી યાને કે એક પુસ્તક આવેલું, અને પુસ્તકનો વિષય યાની કે ટોપિક થા ધેટ ઇઝ સહકાર। સહકાર કા મતલબ હોતા હૈ કોર્પોરેશન, યુનિટી ઇઝ અ સ્ટ્રેન્થ, હે ના, એકતા મે બલ, હમ સાથ મે મિલકે બહોત સારી ચીઝ કર સકતે હૈ। બચપન મે આપને વો કહાની સુની થી કે એક લકડી કો સબ તોડ સકતા હૈ, પર બહોત સારી લકડિયા એક સાથ હો જાતી હૈ તો ઉસકો કોઈ નહીં તોડ સકતા હૈ। અગર સહકાર કે દ્વારા કોઈ ભી કાર્ય કિયા જાય તો કહેતે ના કે બૂંદ બૂંદ સે સરોવર ભી ભરા જાતા હૈ। તો યે યહાં પર બતાયા કે સહકાર કે વિષય કે ઉપર ઉસને એક લખાણ અપને મિત્ર યાની કે અપને કાકા કા દીકરા કે પાસે લે લિયા, और उसने पूरा का पूरा डिटेल लिखा वाचवामां आव्युं। अने एना आधारे ज्यारे एमने त्यां बोलवानुं शुरू कर्युं सहकार ने आधारे, तो बधाए तालियोनो गड़गड़ाट कर्यो, अने आ जे निबंध जे छे ए बधाने खूब ज गम्यो। हवे हमेशा आपणे एवुं थाय के आपणे नानपणनी अंदर जे काय मोटुं अचीवमेंट करेलुं होय, जे पण आपणे मोटी सिद्धि प्राप्त करी होय, सफलता प्राप्त करी ने, ए आपणे आखा जीवनमां आपणा मननी उपर असर करे। અને આ તો પોતે જાતે ભેગું કરેલું કે સહકારની પુસ્તક શોધી લાવ્યા, તેને વાંચ્યું અને બધાની સામે રાખ્યું, અને જ્યારે બધાએ એમને કીધું કે વાહ તું તો બહુ સરસ બોલે છે, અને ખરેખર સહકારનો આવો પણ અર્થ થાય, તો એ શબ્દ તેના જીવનની અંદર સેટ થઈ ગયો। બધા મિત્રોની હાજરીમાં જેણે વાંચ્યું, બધા મિત્રોએ ખૂબ જ તાળીઓનો ગડગડાટ કર્યો, અને આમ ત્રિભુવનદાસ કિશીભાઈ પટેલના જીવનની અંદર સહકાર શબ્દ વણાઈ ગયો, ગુથાઈ ગયો, ફિટ થઈ ગયો। આગળ લખાય આ પ્રસંગને સમર્પિત થઈ અને આપણા સેવાના મૂર્તિ યાની કે જો સબકી સેવા કરતે એસે મહાન વ્યક્તિ જિસને એક બહોત બડી ફેક્ટરી કા નામ શરૂઆત કિયા। आज है ना गुजरात के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला है, पर उस समय के अंदर वो जो आणंद नाम का गांव यानी कि छोटा सा कस्बा या शहर था ना, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। और पहले जो भी हमेशा जो डेयरी बनाई जाती थी वो डेयरी हमेशा डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखी जाती थी, तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, दैट इज खेड़ा था। तो ये जो नाम है वो पहले यानी कि अमूल का नाम पहले क्या था, खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड। तो ये जो शुरुआत किया वो शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हमारे महान त्रिभुवनदास पटेल। त्रिभुवनदास पटेल स्वमुखे यानी कि उसके मुख के द्वारा हमने एक किस्सा सुना था, और ये हमें रमेश चंद्र डी पंडिया ने हमें इसमें बताया। विश्व के अंदर आज जिन नाम खूब प्रचलित है वो ब्रांड का नाम है द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल मॉडल, है ना, समग्र भारत में जेनो स्वीकार करवामां आव्यो छे, समग्र अमूल डेरी जे छे तेनो स्वप्न जोनारा
અને એને દ્રષ્ટિની સામે રાખનારા એવા ત્રિભુવનદાસ પટેલનો જન્મ થયો હતો આણંદની અંદર 22/10/1903 22 નવંબર 2003 में। पिता का नाम क्या बताया? किशीभाई पटेल, जो एक किसान थे यानी कि खेडूत ना उद्धारक था। અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે તેમણે સમગ્ર ગુજરાતને એક સહકારી મંડળી આપી ઓર ઉસ ટાઈમ કે અંદર પતા હી નહીં થા સહકારી મંડળી ક્યા હોતી હૈ કૈસે વર્ક કરતી હૈ તો અબ મેં આપકો કિસ્સા સુનાતા હું કે સહકારી મંડળી જિસકે બારે મેં કોઈ જાનતા હી નહીં થા હૈ ના એક સમય થા જબ કિસીને મોબાઈલ કે બારે મેં સુના ભી નહીં થા સપના ભી નહીં દેખા થા। आज देखो कि हम मोबाइल के अंदर एक स्विच ऑन करते हैं और विश्व में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बैठा है हम उसको अपने सामने प्रकट कर सकते हैं, है ना। शायद तक भगवान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास एक बड़ा सा ग्लोब है, नो ग्लोब के अंदर ओम हिम ग्रीम स्वाहा ऐसा करके देखते हो कि महेंद्र भाई जोशी अभी क्या कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि महेंद्र भाई जोशी क्या कर सकते हैं। वो महेंद्र भाई जोशी से बात नहीं कर सकते, पर हाँ हमने तो भगवान से भी ज्यादा बड़ा काम कर दिया क्या कि हम बात भी कर सकते हैं एंड बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कार्य आज पॉसिबल हुआ। उस समय के अंदर सहकार क्या था एंड सहकार का महत्व क्या था ये भी किसी को पता नहीं था, पर हाँ उसका सही इस्तेमाल किसने करके बताया? त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल ने। तो ये किस्सा यहाँ पर सुनते हैं क्या हुआ। गुजरात विद्यापीठ के अंदर विद्यार्थी जीवन के लिए कार्य किया। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ना विचार से बहुत ही अट्रैक्ट हो गए थे, प्रभावित हुए थे। और उस समय भारत में क्या चल रहा था तो के आजादी का आंदोलन चळवळ चल रहा था, है ना, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। ये परिणाम 1930 की बात करें तो उस समय के अंदर आपको पता होगा एक मूवमेंट हुआ था, दैट इज दांडी मार्च, है ना। तो 1930 के अंदर मीठानो सत्याग्रह निमित्ते और 1940-41 के अंदर सत्याग्रह के अंदर हमारे त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल जेल के अंदर भी गए थे और वहां पर उसकी मित्रता किसके साथ हो गई? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। आज जेल के अंदर ये गया, वल्लभ भाई पटेल के साथ बैठे, बातचीत हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिया। नाउ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है, कभी कभी यूनिट एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में आपको पूछेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें क्या काम किया था, तो उसके लिए वर्ड कौन सा बना है? दैट इज मार्गदर्शन। उसने सिर्फ मार्गदर्शन दिया था, ठीक है। पर अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो है स्वप्न दृष्टा कौन है, तो आप स्वप्न दृष्टा के हिसाब से क्या लिखोगे? त्रिभुवनदास पटेल। स्वप्न शिल्पी कौन है, तो आप क्या नाम लिखोगे? वर्गीस कुरियन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक समान ही दिखती है, पर जब पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि जब खेड़ा जिला का सत्याग्रह, दांडी मार्च ये सब हुआ, यानी कि 1930 से लेकर 1940-41 के दौरान वल्लभ भाई पटेल और हमारे त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल वो साथ में आए। एंड 1940 के अंदर खेड़ा जिला नी अंदर खेडूतो साथे मळी अने ते लोकोए एक सहकारी मंडळी नी स्थापना करी। अब क्यों हुई सहकारी मंडळी की स्थापना, क्यों करनी पड़ी, ये बहुत अच्छा किस्सा है। सुनो कि उस समय क्या होता था कि जो वहां पर यानी कि खेड़ा जिला जो है, आनंद है और बड़ोड़ा उसके आसपास का एरिया में बहुत सारा दूध निकलता था, यानी गाय भैंस बहुत सारे थे। और वहां पर उस वक्त एक फॉरेन कंपनी थी, उसका नाम था पोलसन कंपनी। आपने नाम सुना होगा कि पहले, है ना, आज भी बहुत सारी जगह पर बोलते हैं कि मैं तो दूध नी बाटली लेवा जाओ छू। तो एक्चुअली बाटली नहीं होती, एक पॉलीथीन होती, एक पाउच होता है, पर ये पोलसन कंपनी ने हमें ये शब्द दिया। तो पोलसन कंपनी पहले क्या था, जैसे अभी हम नहीं सोडा की बोतल आती है ऐसे ऊपर ढक्कन खोलते हैं, बस ऐसे बोतल के अंदर हमेशा दूध देते थे वो लोग। थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी बड़ी और लंबी आती थी 1 लीटर की, तो उसको उस समय बोलते थे दूधनी बाटली। और फिर ये दूध की बाटली हमारे साथ ऐसी ज्वाइंट हो गई कि आज भी पाउच या पॉलिथिन में मिलती तो भी हम दूध की बाटली बोलते हैं, है ना। तो जो पोलसन कंपनी थी ना, वो क्या करती थी, गुजरात के ये जो छोटे छोटे गांव थे, शहर थे, वहां से दूध इकट्ठा करती। एंड दूध इकट्ठा करने के बाद जो बड़े बड़े शहर है वहां पर जाके हाई पैसों से बेच देती थी। समझ लो के गांव के अंदर वो 5 रुपए में खरीदती थी, तो बड़े बड़े शहरों में 15 रुपए में बेचती थी। नो डाउट उसका आना जाना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता था, पर उसके बाद भी वो 5 रुपए जैसा सामान्य नंबर है या पैसा है वो भी नहीं देते थे किसानों को। एंड किसानों को बहुत परेशान कर दिया था।
तो यहाँ पर किशीबाई पटेल और उसका बेटा यानी कि त्रिभुवन दास पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर जो सहकारी मंडली की स्थापना की थी उसमें उसने फाइनल किया, काम करते हैं हम मिलकर यहाँ पर दूध इकट्ठा करेंगे और हम ही जाके बेचेंगे, तो यहाँ पर हम सबको भाव थोड़ा कम देंगे, फिर जब साल के एंड में जो मैं अर्निंग होगी हम आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से पोल्सन कंपनी का विद्रोह करने के हिसाब से सहकारी मंडली की स्थापना हुई एंड हमारी शुरुआत हो गई अमूल डेयरी, यानी कि खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड। ए समय नी अंदर खेडूतों पासे खूब ओछा भावे दूध खरीदी अने मुंबई नी अंदर ऊंचा दामे, ऊंचा दाम का मतलब क्या होता है पैसा, ज्यादा पैसों से दूध बेचा जाता था और ये कंपनी का नाम क्या बताया मैंने, दैट इज पोल्सन कंपनी। और इसके कारण से खेडूतों में खूब त्रास होता, बहुत परेशान थे वो लोग, और इसके कारण से हमारे जो वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन मिला और हमारे जो ये त्रिभुवन दास जी है उन लोगों ने मिलकर ये सहकारी मंडली की स्थापना की 1950 के अंदर। अब क्या था, 1940 में तो स्टार्ट कर दी थी पर इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, पर 1950 के अंदर जब त्रिभुवन दास पटेल के साथ मित्रता हो जाती है किसकी, वर्गीज कुरियन की, एंड फिर जो स्पीड पकड़ती है हमारी ये कंपनी आज देखो पूरे विश्व के अंदर एक ब्रांडिंग है ना। तो 1940 में स्टार्ट कर दिया था पर उसका प्रोग्रेस कब हुआ था, 1950 के बाद हुआ था सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर लिखा है कि 1950 से लेकर वर्गीज कुरियन ना जीवन नी अंदर जुगलबंदी थई कोनी, अपना त्रिभुवन दास पटेल नी, अन त्रिभुवन दास पटेल ना जीवन नी अंदर जुगलबंदी थई वर्गीज कुरियन नी, अने बन्ने वळी पाछा सहकार थी मित्रता थी अमूल डेरी ने खूब आज आके लेके जाते हैं। आगे समझते हैं सहकारी मंडली ने स्थापना अने विचार बीजनु वावेतर करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी अंडरलाइन करना आप और उसको याद रखना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि विचार बीजनु वावेतर करनार कौन हता, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेना स्वप्न दृष्टा हता त्रिभुवन दास पटेल अने स्वप्नना शिल्पी हता डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लाइन वाइज कर दिए है ना। लगभग 4 दायका, दायका का मतलब क्या होता है 10 इयर्स है ना, 4 दायका 10 इयर्स × 4 = 40 इयर्स यानी 40 साल तक। सोचो आजकल मित्रता आपने तो देखा ही होगा 4 साल तक टिकती नहीं है, ये दोनों की मित्रता 40 साल तक टिकी एंड यही कारण है कि मित्रता यानी कि सहकार है ना। समझना चाहिए हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, कोई ना कोई, कहते हैं ना कि हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर संस्कृत में पढ़ा था कि हर एक घर का व्यक्ति को किसी को खाटा तीखा मीठा तुरा अलग अलग खाता है, तो मित्र भी कैसे समान हो सकते, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग नाम का नमक डाल दो ना तो सब समान बन जाता है। तो यही कारण है कि 4 दायका सुधी दोनों मित्र ने खब्बे से खब्बा यानी कि शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर काम किया एंड अमूल ब्रांड को विश्व के अंदर विश्व के फलक के ऊपर इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आज दूध का नाम लिया जाए तो पहले अमूल, अमूल का नाम लिया जाए तो के दूध, ये हो गया। इस तरह से त्रिभुवन दास पटेल ने 3 जून 1994 91 इयर्स की उम्र में अवसान हुआ और तब तक उसने अमूल को गुजरात की सेवा का मौका दिया। उसके बाद उसने बहुत सारे सहकारी क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया था, पर थोड़ा बहुत और भी जानकारी लेते हैं और फिर हम वर्गीज कुरियन की जानकारी देते हैं क्या है। देखो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, हमारे जो वर्गीज त्रिभुवन दास पटेल है उसकी जब रिटायरमेंट हो गए उसके बाद उसकी पत्नी ने भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड कौन कौन से अवॉर्ड मिले वो समझने जैसी बात है। देखते हैं कि त्रिभुवन दास को एक कम्युनिटी लीडरशिप, ये जो यहाँ पर बताया गया है ये कम्युनिटी लीडरशिप का, एंड दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है फिलीपाइंस रेमन मैंगेसेस अवॉर्ड, ये रहा, ये दोनों अवॉर्ड उसको प्राप्त हुआ। 1964 के अंदर भारत सरकार ने सबसे बड़ा अवॉर्ड है ना, अगर सबसे बड़ा अवॉर्ड भारत का कौन सा होता है, भारत रत्न होता है ठीक है, इसके अलावा कौन सा, पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण एंड उसके बाद प्राप्त होता है भारत रत्न। तो आप भी अपने जीवन के अंदर हमेशा ऐसा उद्देश्य रखो कि मुझे भी भारत सरकार भारत रत्न के अवॉर्ड से सम्मानित करे। आप देखो इतना बड़ा काम किया फिर भी त्रिभुवन दास पटेल कहाँ तक पहुंच पाए थे, पद्म भूषण अवॉर्ड तक है ना। तो कितने अवॉर्ड अभी तक मिले, नंबर 1 कम्युनिटी
कम्युनिटी लीडरशिप, नंबर टू फिलिपाइंस रेमन मैंगसेस अवार्ड, एंड नंबर थ्री पद्म भूषण। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे उसको अवार्ड मिले थे जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर मान सम्मान हर जगह पर होता था। सेवा की प्रवृत्ति इतनी बढ़िया थी कि बड़े बड़े जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको मिलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते थे, गांधी जी मिलते थे, इतने महान व्यक्ति थे। एंड 1971 के अंदर अमूल डेयरी के अध्यक्ष के तौर पे उसने काम किया, और फिर उसने स्वैच्छिक अपने इच्छा के अनुसार निवृत्ति, निवृत्ति को क्या कहते हैं, रिटायरमेंट घोषित कर दिया। इसका इतना बड़ा कार्य हुआ कि लोगों ने उसको बोला कि नहीं आप रिटायरमेंट घोषित मत करो, ऐसा मत करो, पर लोगों को लगा कि हमें इतना अच्छा सेवा का कार्य किया है तो कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए। तो वहां पर जो अमूल डेयरी के जो लोग थे उसके हर एक मेंबर ने, के सभ्य ने अपने पास से एक 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 रुपया इकट्ठा किया, और पता है कितना पैसा इकट्ठा हुआ, 6,80,000। और उसकी एक बड़ी सी थैली बनाई अमूल जैसी, और फिर उसको गिफ्ट किया हमारे त्रिभुवन दास पटेल को। और उस टाइम के 6,80,000 1971 की करेंसी अगर देखने जाओ तो आज को शायद तक तो 600-700 करोड़ हो जाएंगे। इतना सारा पैसा लोगों ने उसको गिफ्ट किया, सोचो। आम जन कल्याण, उसकी प्रवृत्ति के हमेशा रस और रुचि बढ़ती गई। त्रिभुवन दास पटेल और उसकी धर्मपत्नी, उसका नाम था मणि बहन, ये दोनों ने मिलकर गांव के लोगों का भी बहुत सारा भला काम किया, क्योंकि उसको ऐसा समझ आता था कि गांव के जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी गाय भैंस बकरियों को पालते पोसते हैं और उसका दूध अमूल तक आता है, हम उसको बेचते हैं तो पैसा फंडिंग होता है, एंड वो पैसा फंडिंग से हम लोगों के सहकार दे सकते हैं। अगर हम ग्रामजनों को, महिलाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी सेवा का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड वही कार्य उसने किया कि जो ये पैसा इकट्ठा हुआ कितना, 6,80,000 का, उसने क्या किया, एक फाउंडेशन खोला, त्रिभुवन दास फाउंडेशन। और उसका एक ही कार्य था कि जो भी गांव की औरतें हैं, स्त्री है और उसके बच्चे हैं, उसकी स्वास्थ्य की सेवा के लिए कार्य शुरू किया जाए। उसने काउंटिंग कराना शुरू कर दिया तो करीबन 800, 800 से भी ज्यादा गांवों के अंदर उसकी जरूरत थी, तो 800 गांवों के अंदर उसने त्रिभुवन फाउंडेशन की शुरुआत कर दी। और जो भी स्त्री अगर बीमार है, परेशान है, उसका बच्चा बीमार परेशान है, तो उसका सेवा का कार्य शुरू कर दिया। तो देखो उसने पैसे का भी सही इस्तेमाल किया, और आज भी उसकी सेवा चिरंजीवी यश प्राप्त कर रही है। मतलब ये है कि नहीं है, पर हाँ आज भी वो फाउंडेशन वर्क कर रहा है, चिरंजीव, जो हमेशा चीरवत्ता जीव, चीर मतलब लंबे समय तक जीने वाला, ये यश उसने प्राप्त किया। और ये कार्य योजना की भेंट स्वरूप आज भी उसकी शुरुआत है। श्वेत क्रांति के प्रणेता, सहकारी मंडली के स्वप्न दृष्टा, आज भी त्रिभुवन दास पटेल ने अपनी सेवा के कार्यों के थकी गुजरात ना खेडूत के हृदय के अंदर बहुत ही आदरणीय स्थान है, मान सम्मान और रिस्पेक्ट वाला। हम तो सिर्फ बोल के खड़े हो जाते हैं क्या कि बिना सहकार नहीं उद्धार, पर हमारे त्रिभुवन दास पटेल ने बचपन में जो बोला कि बिना सहकार नहीं उद्धार, ये उक्ति, ये सेंटेंस उसने प्रूव करके बताया। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत हाई लेवल के वर्ड होते हैं, हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, पर ऐसे लोग हमें उस वर्ड का सही मतलब समझा जाते हैं, और यही उसकी कार्य प्रणाली उसने सार्थक करके बताई हमें ऐसे लोगों के जीवन में क्या उदाहरण लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप मित्रों के साथ इकट्ठा हो तो फालतू की बातें ना करके हमेशा प्रॉपर प्लानिंग करो कि आज हम इस टॉपिक पे एक व्यक्ति बोलेगा और हम शांति से सुनेंगे। ये कार्य करने से आपके पास शब्द पावर, वर्ड पावर बढ़ेगा, सेंटेंस मिलेगा, और नए नए टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। चार लोगों के बीच में कभी कभी आपके घर में मेहमान आते हैं, पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो सिंपल सा छोटा सा आंसर आप देते हो, कौन से स्कूल, कौन से टीचर। हम देखना, आप फ्रेंड के साथ मिलते तो भी हम सिर्फ बकवास वाली बात ही करते हैं, पर अगर ऐसा कोई टॉपिक हम आप एडवांस में प्रॉपर प्लानिंग करके बैठ जाए तो बहुत सारी नई नई चीजें जान सकते, समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ है त्रिभुवन दास जी के बारे में। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे किसके बारे में, वो है हमारे वर्गीस कुरियन जी के बारे में। तो वर्गीस कुरियन के बारे में हम समझते हैं, क्या बताते हैं वर्गीस कुरियन जी। देखो
तो उसके शुरुआत करने से पहले हम उसका भी एक छोटा सा किस्सा समझाएंगे, और किस्सा समझते हैं ना उसके बाद ज्यादा मजा आता है कि वर्गीज कुरियन किस तरह से जीवन के अंदर वर्गीज कुरियन हो गए। जैसे रेवड़ी, जवाणु, हनुमान दादा का मंदिर, तालाब, याद आया ना वो गौड़, यानी कि सहकार है, सहकार से इतने बड़े बन गए। अब देखते हैं ये छोटे से प्यारे से हमारे वर्गीज कुरियन ने कैसे बड़े बन गए उसके जीवन में। तो देखो, इंजीनियरिंग का अभ्यास कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसके बाद 1944 की बात करें, यानी कि 1940 में तो ऑलरेडी खेड़ा दूध उत्पादन सहकारी मंडली यानी कि अमूल शुरू हो चुकी थी। और ये उस वक्त क्या कर रहे थे भारत के अंदर, तो कि 1944 के अंदर काम कर रहे थे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका उस वक्त नाम क्या था, टिस्को नाम था। तो उसके अंदर अप्रेंटिसशिप का काम करते थे। अप्रेंटिसशिप का क्या काम होता है, कैसे देखो, आपको डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पास डिग्री आ गई तो आप काम नहीं कर सकते हो। आपको किसी बड़े इंजीनियर है, बड़े से डॉक्टर है, लॉयर, उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप का काम करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो आप खुद अपना काम कर सकते हो, उसको अप्रेंटिसशिप का काम करते हैं। तो 1944 के अंदर इंजीनियरिंग का अभ्यास कंप्लीट किया, और उसके बाद वो कहाँ गए थे, तो के टिस्को नाम की कंपनी में गए थे, और वहां पर हमारे जो ये वर्गीज कुरियन है उसके मामा वहां पर थे, उसका नाम क्या था, जॉन मथाई। तो वो टाटा कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, बहुत हैवी पोस्ट पे थे। तो वहां पर ये चले गए, उसको पता नहीं कि मेरे मामा इतनी बड़ी पोस्ट पे वहां पर। फिर क्या हुआ, एक दो बार जमशेदपुर, जहां पर टाटा कंपनी है उस शहर का नाम क्या है, जमशेदपुर है, वहां पर उसके मामा उसको मिलने आए वहां पर। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, युवक ने देखा कि अरे वाह, ये यानी कि हमारे वर्गीज कुरियन, उसके मामा जॉन मथाई यहाँ पर टाटा के अंदर डायरेक्टर है, ओहो ये तो बहुत बड़ा बंदा है। तो कोई उसको ज्यादा काम सौंपता नहीं था, ज्यादा काम देता नहीं था, एंड ये अपने हिसाब से करते थे। तो युवक इंजीनियर, उसको ये अच्छा नहीं लगा, भाई यहाँ पर तो मैं सीखने आया हूँ, और तो परेशानी क्या हो रही है, यहाँ पर तो मुझे कोई काम ही नहीं सौंपेगा, क्योंकि मेरे मामा क्या है, डायरेक्टर है, और डायरेक्टर का मैं भांजा हूं, तो शायद मुझे कोई सौंपेगा ही नहीं। तो बधाई हमने खूब ना पाड़ी कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, पर फिर भी ये यहाँ से जाने का फाइनल कर लेते हैं, और उसने वहां से नौकरी छोड़ दी। उसके फ्रेंड लोगों ने पूछा कि भाई क्यों जा रहा है, तो उसने बोला देखो अब है ना, मैं कुरियन नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या बन गया हूँ, जो बड़े अमलदार है यानी कि हमारे जॉन मथाई मामा है, उसका मैं भांजा के हिसाब से मेरी पहचान होगी, मेरी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है, एटले हवे हूँ कुरियन नथी रह्यो, हूँ तो मात्र ऊपरी अमलदारનો ભાણેજ જ રહ્યો છું, જે મને મંજૂર નથી। ऐसे आत्मविश्वास के साथ से, ऐसी खुददारी के साथ से कार्य किया था वर्गीज कुरियन ने, जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। अगर हम बात करें आज के जनरेशन में, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो शायद हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई, चाचा काम करते हैं, मामा काम करते हैं, तो अपने काम करने की जरूरत ही क्या है, हम तो उसकी कंपनी में लग जाएंगे, मेरे मामा तो ये है, मेरे पापा तो ये है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए, और उससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ा रहता है। तो ये थे हमारे वर्गीज कुरियन, एंड वर्गीज कुरियन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्या बताते हैं वर्गीज कुरियन, ध्यान से समझते हैं। गुजरात राज्य के अंदर आया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा नगर जिसका नाम है आणंद नगर, और वहां पर कौन सी कंपनी है, अमूल डेयरी, उसको आज हम मिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। वर्गीज कुरियन का जन्म सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, उसको ख्रिस्ती बोलते, ख्रिस्ती, तो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में हुआ था। 26/11/1921, यहाँ पर गलत है नंबरिंग, दैट इज वहां पर 11 आएगा। 26/11/1921 के दिन केरला में, आपने नाम सुना होगा कैलिकट, है ना, वहां पर उसका जन्म था। पिता का नाम था पुथेन परक्कल, है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, देखो पुथेन परक्कल कुरियन एक सिविल सर्जन थे, और वर्गीज कुरिया जो थे उसकी माता बहुत अच्छी थी, कि उसकी मम्मी ने उसको एजुकेशन दिया था म्यूजिक का, है ना, म्यूजिक उसको बहुत अच्छा लगता था वर्गीज कुरियन को, तो उसकी मम्मी उसको पियानो सिखाती थी, और पियानो जिसको हम हारमोनियम से बड़ा सा नहीं आता है, हारमोनियम उसके हम बैठ के बजा सकते हैं ऐसा, वैसे तो जो हारमोनियम होता है हम नीचे बैठ के बाजू में रख के बजा सकते हैं, पर पियानो बहुत बड़ा होता है। तो पियानो का जो अद्भुत संगीत है उसके साथ साक्षात्कार किसने करवाया, उसकी मम्मी ने। वो चार भाई बहन थे, और चार भाई बहनों के अंदर इसका नंबर यानी कि वर्गीज कुरियन का थर्ड नंबर था।
शालेय शिक्षण यानी स्कूल का जो एजुकेशन है उसने गांव के अंदर ही कंप्लीट कर दिया, और फिर वो गए मद्रास, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, चेन्नई। क्या? चेन्नई। हाँ, वहां पर एक बहुत बढ़िया सी कॉलेज है, लॉयोला कॉलेज। क्या नाम है? लॉयोला कॉलेज। वापिस से, लॉयोला कॉलेज। हाँ, वहां पर भौतिक शास्त्र, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स विषय के अंदर उसने BSc, बैचलर ऑफ साइंस की पदवी यानी डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद वो कहाँ गए, देखो मस्त नाम, यहाँ पर सारे के सारे नाम बहुत अच्छे हैं। ग्विंडी कॉलेज। क्या नाम है? ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कहाँ पर किया? मद्रास। देखो लाइन वाइज हम चलते हैं, सबसे पहले कहाँ, तो के कैलिकट, कैलिकट के बाद कहाँ गए, तो के मद्रास, मद्रास के बाद कहाँ गए, चेन्नई। चेन्नई है, वो दोनों एक ही है, याद रखना ये, ठीक है। देखो कैलिकट गांव है, तो स्कूल का काम कहाँ किया, गांव में ही किया, कैलिकट में ही। और फिर मद्रास, मद्रास लॉयोला कॉलेज, वहां पर उसने क्या किया, फिजिक्स किया, जिसको ग्रेजुएशन करना कहते हैं ना। उसके बाद उसने क्या किया, ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पर उसने मद्रास के अंदर इंजीनियरिंग का कंप्लीट काम किया। देखो पहले उसने फिजिक्स के साथ काम किया और फिर इंजीनियरिंग, अभी भी पढ़ना तो चालू ही था। एंड देखो आप बिलीव नहीं करोगे ऐसी बात अब मैं बता रहा हूँ, क्या है पता है, कॉलेज में प्रवेश करियो ते समय उसकी उम्र कितनी थी, 14 वर्ष की, मतलब आपसे भी 1 साल छोटे। समझ आया? इतने छोटे थे, और उस समय के अंदर उसने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली। वर्ग के अंदर, उसके क्लास के अंदर हमेशा सबसे छोटी उम्र का लड़का यही हुआ करता था हमेशा, फिर भी सबके बीच में उसका संघर्ष चलता है रहता, चलता है रहता। एक तो हाइट छोटी, उम्र छोटी, एजुकेशन इतना हाई, पर फिर भी उसके जीवन के अंदर सबसे आगे बढ़ने का कार्य करते ही गए, करते गए। और अपने जीवन के अंदर स्वावलंबन के आग्रही ऐसे हमारे महान वर्गीस कुरियन के बारे में हम समझेंगे पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब बारी आती है आपका।